धरती ते पहुंचया। थते मलाई ते कहन लगे बाबा जी जेड़िया बीड़ा आप लिख रहे जे इन्हां दा जिथे प्रकाश करना वह हरिमंदर साहब नूं ढाउण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं। बाबा जी ने कलम उथे रख दित्ती। वह की खबर लेके आया हरिमंदर साहब नूं ढाउण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं। बाबा दीप सिंह दीआं अखां विच खून आया टौले फड़के। बाबा जी जे चंदना तक खालसा ना पहुंचा तेरे गुरु दा मंदर ढा ढेरी कीता जाएगा। बाबा दीप सिंह ने कलगियां वाले पातशाह दे चरणा च अरदास कीती। हे पंथ दिया मालका धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्ना चिर मैं दुश्मन दे झंडे अमृतसर दी धरती तो पुट नहीं ना देंदा ओना चिर तक मैं शहीदी नहीं पाऊंगा। हौणी कम उठी उन्हें आख्या बाबा दीप सिंह मैं तेरा नोखा पर सिरे नहीं चढ़ दूंगी। उन्हें आख्या बचन होनी है सिंह दे ओ पूरे ते पके असीं फड़ फड़ जाम लगा दिए सुइयां दे नके ओ सानू अमर सरवर जांदे आ अज केड़ा डके नहीं असीं खंडे थारा फेर दे एवें नहीं चुके। बाबा दीप सिंह जी मार के नगारिया ते जोड़ दोड़ियां चोटा सत श्री अकाल दे जकारे ला के गगन दवाना बाबे ओ बाजियो भरियो निशाने काओ रात कटी आ। सवेरे फिर शहीदा दे सरताज धन गुरु अर्जन साहब महाराज दे चरणा च खलो के बाबा दीप सिंह ने अरदास कीती आ। हे शहीदा दे सरताज धन गुरु अर्जन साहब महाराज मैं तेरे चरणा च अरदास करदा जिन्ना चिर मैं अपना परनी पूरा कर लैंदा उन्ना चिर मैं शहीदी नहीं पाऊंगा। हे धन गुरु रामदास महाराज कोई तेरे दर ते फुलियां दा प्रसाद लेके आउंदा कोई पतासियां दा लेके आउंदा मैं सिर दा चढ़ावा लेके आ रिहा इहनूं प्रवान कर रही। बाबा दीप सिंह ने इत्थे खंडे नाल लीक खिंची आ ललकार साहब गुरुद्वारा। बाबा दीप सिंह ने आख्या ओ जोधा लीक टप्पियो जिन्ने धर्म दे नां उत्तों जाना निशावर कर देणियां आंदे 10,000 सूरमा छाला मारदा लीक टप गया। है कोई कौम ओ जिहड़ी मरन दे नां उत्ते वधदी होवे। इह कलगियां वाले पातशाह ने आपां नूं मान दित्ता। इधर जमाल खां नूं पता लगा वी बाबा दीप सिंह मेरे ते चढ़ाई करके आ गया। 40,000 फौज चढ़ के चब्बे दे मैदान विच आया। इधर कलगी धर दे सूरमे ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਓਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਆਂਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੱਚ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਮਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੇ ਵਧਿਆ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਜਾਰਖਾਨੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕੇ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਾਰਖਾਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੀਰ ਆਂਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਅਮੀਰ ਜਾਰਖਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਭਵਾਂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਇਹਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਸਤਮ ਖਾਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਗਾਂ ਵਧੇ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਬੜਿਆ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਧਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਿਆ ਆਂਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਚੱਕਰ ਆਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹਮਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਤਨਾ ਘੁਮਿਆਰ ਚੱਕ ਤੋਂ ਭਾਂਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ।
दित्या। मेरा जी करदा मैं तेरे ना कले ना करा कला लड़ा। बाबा दीप सिंह जी करनी ते कथनी दे पूरे बाणी ते बाणे विच परपक शहीदां दी मिसल दे जथेदार। घोड़े तो थले आए ओए जमाल खान मवी ओ चौना जदों को कले ना कला लड़े। एक पासे फौजां दा जरनैल जमाल खान दूजे पासे दंदवी टकसाल दे पहले जथेदार। जितना गह गच जंग इन्हां दा होया चढ़दी कला उस कौम दी सदा रहिंदी। चढ़दी कला उस कौम दी सदा रहिंदी जेड़ी अपने फर्ज पछाणदी ए तख्तां ताजां ते लोभ ते थुकदी नहीं। सोजी आ जावे अपनी शान दी ए किसे दुखी मजलूम दी हा सुन के बाजी ला दिंदी अपनी जान दी ए। तेरे भाणे सरबत दा भला होवे चंदन सिखिया तेरे निशान दी दिए। प्यास कर लिखदे लड़दियां लड़दियां सांझे वार बाबा दीप सिंह जी दे और जमाल खान दे होया। हौणी ने आख्या बाबा दीप सिंह मैं आख्या सी तेरा परन से नहीं चढ़ दूंगी तेरे मैं जेड़े प्राण राह विच रोल के रख दूंगी। तेरे गुरु दा मंदिर ये 5 मील दूर आ। निहंग सिंह होके झूठ बोलिया ही अमर छक के झूठ बोलिया ही। बाबा दीप सिंह ने आख्या होनीए होनी ने आख्या मेरे किताब विच तेरे स्वास खत्म हो चुके। बाबा दीप सिंह ने आख्या होनीए तेरी किताब ए डायरी लोकां वास्ते बनिया मेरे वास्ते नहीं। तेरियां रगां दे विचों कलगियां वाले पातशाह दा अमृत नंगिया मैं अपना परन पूरा करके फिर शहीदी पाऊंगा। बाबा दीप सिंह दे आंदे पुल फरके खब्बी तली ते रखिया सीस सज्जे हाथ विच फड़ के फलादी खंडा कौम दी अगवाई करदा। बाबा दीप सिंह जी चरी वांग दुश्मनां नूं वढ़दा एहो जी वाण बाबा दीप सिंह ने दुश्मनां नूं पाई। दुश्मनां ने लाहौर जाके सा लिया। उन्हें आख्या ओ खाना सानू जींदियां नाल लड़न कराए के मरिया ना। उन्हें आख्या कोई मर के भी लड़दा। उन्हें आख्या बाबा दीप सिंह जी बुढ़ा जिहा एक रासी उन्हें वढ़ के सुट दिता। ओहदे नाल दे ने आख्या इहदा जी अजे की विगड़िया ओ फिर उठ के लड़न लग पिया। उन्हें आख्या कला ही क्यों और भी कोई। उन्हें आख्या उन्हें सानू कले ने पिछा भौंके अमृतसर ता साफ नहीं देखण दिता। सानू मैं दा भी ओहदे नाल दे भी साथी उठ पे होणे आ जिन्नू कौम दी जिंदगी आंदे आ ओह है ताडा इतिहास। ना किसे ते वादा करो ना वादा जरो सिखी विच पूरे हो खंडे बाटे दा अमर छको। ए मैं भाई जंगवीर सिंह जी अंबाले शहर हरियाणे च प्रसंग बादा दीप सिंह दा पढ़िया। एक हिंदू राजकुमार नाम दा बंदा समाप्ति तो बाद 1100 रुपया छोटे पचंगीनो ने मान दिता। मैं क्या भी तेनू कुछ पता पुता भी लगा जो इन्हें पढ़िया। आंदा सरदार जी मना पता पुता तो कोना लागो सै जब जू छोरा गा रहा था ना। आंदा मेरे शरीर की धड़कन खून इतना धड़क रहा था भी मेरे हाथ में जू तलवार हुंदी ना तो 4-5 की मुंडी तो मैं भी काट दिंदा। आंदा मेरे इन्ना जोश आ गया ही भी 4-5 नू मैं मार सकदा सां। सिखो ए नाड़ा च जम्मिया आ खून गुरु हरगोबिंद पातशाह ने टाडी दसम पातशाह ने क्वीशर तैयार कीते तुसी मान दिता धन्नवाद। सतगुरु कृपा करे पुल चुक दी माफी फते मर्दा वाली गज के बुलायो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।